सलमान खान के फैंस के लिए खुशखबरी है। दरअसल राधे जो है अब महाराष्ट्र में भी कुछ थिएटर्स में रिलीज हुई है और रिलीज होने के बाद इसकी क्या हुई है पहले दिन कमाई, मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पे आपको बताऊंगी। तो आप सभी जानते ही हैं कि थिएटर में महाराष्ट्र में ये रिलीज नहीं हो पाई थी। इंडिया में सिर्फ 3 थिएटर में रिलीज हुई थी और वो भी त्रिपुरा के। अब लेवल 1 और लेवल 2 जो अनलॉक होने की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है महाराष्ट्र में, और लेवल 1 और लेवल 2 में कुछ थिएटर्स ओपन रहेंगे, इस बात को लेकर गाइडलाइंस आ गई हैं। तो अब 2 थिएटर में ये फिल्म रिलीज हुई, एक जो है वो ड्राइव इन सिनेमा है मालेगांव में और दूसरा है औरंगाबाद में। तो फिल्म के शाम 7:30 बजे का शो जो है मालेगांव में लगा और औरंगाबाद में 12:00, 3:15 और 9:30 बजे का शो चलाया गया। तो बॉलीवुड हंगामा की खबर के अनुसार जो है 7:30 बजे के शो में 22 लोग फिल्म देखने आए और 40 लोगों ने चेयर में बैठकर फिल्म देखी, यानी कि ड्राइव इन में 22 और वैसे 40, और 9:30 बजे का शो जो है कैंसिल करना पड़ा क्योंकि एक भी बुकिंग नहीं हुई थी। तो राधे ने पहले दिन लगभग 6,017 रुपये और औरंगाबाद में 2,420 रुपये और ड्राइव इन सिनेमा में मालेगांव में 3,600 रुपये कमाए। तो इस तरह से 3 टोटल थिएटर में ये रिलीज हुई, मालेगांव के 2 जिसमें एक ड्राइव इन और एक नॉर्मल सिनेमा था और एक औरंगाबाद में। तो इस तरीके से अब महाराष्ट्र में भी ये थिएटर्स में रिलीज हुई है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है, जो थिएटर ओनर्स हैं उनका ये मानना है कि ये फिल्म जो है अगर लॉकडाउन के बिना रिलीज हुई होती तो इस फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता। उन्होंने ये भी कहा कि जब हमने मुंबई सागा अनलॉक था, जब लॉकडाउन नहीं था, रिलीज की थी, उसको भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और लोग देखने आए थे। तो राधे जो है OTT पर रिलीज हो गई थी, इसलिए बहुत सारे लोगों ने OTT पर ही देख ली, लेकिन उसके बावजूद जो है उनके शोज में कुछ लोग आ रहे हैं।